subscribe to his YouTube channel and press the bell icon, so that you never miss any update. फोर्थ हाउस का चंद्रमा चंद्रमा चतुर्थ का कारक होता है ना, फोर्थ हाउस का कारक। तो कारक भावनाशम प्रिंसिपल, मतलब कारक होकर अगर अकेला बैठ जाए उस भावनाशम प्रिंसिपल के हिसाब से, इट इज नॉट गुड फॉर मदर। हाँ, अगर चतुर्थ का चंद्रमा, इट इज नॉट गुड फॉर मदर। अब अगर टेंटेड है, अगर टेंटेड है तो इट शोज द लॉस ऑफ मदर ऑल्सो समटाइम्स। और अगर टेंटेड नहीं है तो फिर आदमी अपनी माँ की भावनाएं समझेगा नहीं या माँ उसकी भावनाएं नहीं समझेगी, तो उनके बीच में इमोशनल टर्बुलेंस हमेशा रहेगा। ठीक है, चतुर्थ स्थान प्लेजर का स्थान है। मून अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाता है तो आदमी प्लेजर सीकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मन मन बैठ गया प्लेजर के अंदर। दूसरा, फोर्थ हाउस के कारण, प्लेजर के कारण दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर सेक्स, दूसरे जेंडर के प्रति उनका आकर्षण जो है वो ज्यादा ज्यादा रहेगा। तीसरा, ये जो है सुख सुख स्थान है, वाहन का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, तो इसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा कि जो उनको प्लेजर आएगा वो बड़ा आलीशान बंगला हो, घर बहुत सुंदर हो। होता भी है, होगा भी, होता उसका चंद्रमा अगर अच्छा बैठा हुआ है तो होगा भी। फिर गाड़ी, वाइट गाड़ी हो, बड़ी हर चीज उस हिसाब किताब की, मतलब जो कि दिखाने में अच्छी लगे। ठीक है, तो मन अगर प्लेजर में जाके बैठ जाता है, इसलिए फोर्थ हाउस के चंद्रमा को जनरली अच्छा नहीं मानते। ऑब्वियसली माँ के लिए तो अच्छा है ही नहीं, बट फिर इमोशनल ट्रबलेंस तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि प्लेजर कभी खत्म नहीं होगा, तो संतुष्टि आएगी नहीं। एक प्लेजर खत्म होगा, दूसरा प्लेजर, एक सुख चाहिए खत्म, दूसरा सुख, तो इसलिए फिर ये विशेष साइकिल में फंस जाते कई बार फोर्थ हाउस के चंद्रमा वाले, है ना। और हाँ, उस केस में तो होता ही है। हाँ, हाँ। इनिशियल शिक्षा अच्छी रहती फोटो चंद्रमा का होता है ना। यस, नाउ इट विल लुक एट टेंथ हाउस, व्हेन इट विल सिट इन द फोर्थ हाउस, विल लुक एट द टेंथ हाउस। तो कर्म का संबंध उनका जो है वो वाटर से संबंधित हो सकता है, नेवी से संबंधित हो सकता है, पानी से संबंधित और चीजें, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम चतुर्थ स्थान के चंद्रमा वाले करते हैं। बिकॉज ट्रांसपोर्ट अगेन कम्स इनटू शुक्र शनि प्लस मून, सो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट विल कम इनटू शुक्र प्लस मून। बिकॉज भारत के अंदर आप गाड़ी लेके चलो, दो ढाई दिन में पहुंच जाओगे ना, डिलीवरी दे दोगे, दैट इज मून, ढाई दिन में पहुंच गए। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इट इज अ फास्ट थिंग, यार सामान यहां से छोड़ा, वहां से पकड़ा, यहां से छोड़ा, तो वो शुक्र प्लस चंद्र का कॉम्बिनेशन या शनि प्लस चंद्र का कॉम्बिनेशन में आता है। तो देयर जॉब कैन बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, देयर जॉब कैन रिलेटेड टू नेवी, पानी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। फोर्थ हाउस इज स्लीप, उसमें चंद्रमा पहुंच गया तो दे विल हैव अ डिस्टर्ब इफ द मून इज टेंटेड। If the moon is okay, they will have a very क्या कहते हैं, sound sleep, नगाड़े बजाते रहो, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, होता नहीं। हाँ, but चतुर्थ स्थान का चंद्रमा इतना अच्छा नहीं मानते, है ना, और उदास तो वो रहते ही हैं। उदास इसलिए रहते हैं क्योंकि एक प्लेजर खत्म होने से पहले दूसरा होना, तो असंतुष्ट रहेगी हमेशा। ठीक है, मेरी बेटी का फोर्थ हाउस का चंद्रमा, मैं उसको बोलता हूँ तो दुखी आत्मा है, बड़ी है। तो उसको कैसा, हाँ तो उसको कैसा है कि जैसे मान लो मैंने उसको ये बोतल दी और सौरभ जी को ये बैग दे दिया, तो उसको बैग होना, बोतल तो हो रही होना, वो भी चाहिए, दूसरे बड़ा सही। तो वो क्या एक झूले में झूल रही होती तब तक दूसरे की प्लानिंग कर रही होती, ऐसी टेंडेंसी पूरे लाइफ पर फॉलो रहती है।
एक झूले में झूल रही है, उसका प्लेजर तो गया जैसे आप बैठे, बट वो अब क्या सोच रही है दूसरे झूले में पापा को कैसे सेट करना, कौन से झूले में, तो वो उतरते ही पापा इसमें तो मजा नहीं आया उसमें जाना। तो दिस टेंडेंसी विल फॉलो इन द एंटायर लाइफ, यू सी व्हाट आई एम सेइंग, ये पूरे जीवन में ऐसे ही रहेगा, ये प्लेजर खत्म ही नहीं होगा, प्लेजर और चाहिए कुछ नया चाहिए कुछ नया चाहिए, दैट्स व्हाई दे बिकम सो सैड जल्दी 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 दुखी हो जाते।